अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मुंबई का मोस्ट पॉपुलर जमजम पुलाव बनाने की रेसिपी। और इतना उम्दा पुलाव बन के तैयार होता है, इसमें ढेर सारी वेराइटीज़ के साथ में ये पुलाव बनाया जाता है। इसमें चिकन, मटन और इसमें कोफ्ता, अंडा, आलू सब डाल के ये पुलाव बनाया जाता है। बहुत यम्मी ये पुलाव बन के तैयार होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करके आप भी ये उम्दा पुलाव बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी हमारे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रुपीज़ बेक्स को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी जमजम पुलाव बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने मटन का गोश्त लिया, अच्छे से वॉश कर लिया हमने 3 से 4 पानी से। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट डालेंगे, 3 हमने तेज़पत्ता डाल दिया इसमें, और 1 डाल देंगे हम मीडियम साइज़ की प्याज। इस तरह से हमने लॉन्ग शेप में कट कर लिया प्याज को। नमक डाल देते हैं इसमें 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दरदरी पिसी हुई मिर्ची भी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। और मिर्ची के बाद अब इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, और 1 हम इसमें डाल देंगे बादाम का फूल। पानी ऐड कर देते हैं 1 लीटर, और यखनी बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, 1 लीटर पानी डाल देंगे। मैं यखनी बना रही हूँ यहाँ पर पैन में, आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी यखनी बना के रेडी कर सकते हो। यखनी को अभी हम कवर कर देंगे हाई फ्लेम पे, अच्छे से कुक होने देते हैं यखनी के गोश्त को। और यहाँ पर देख सकते हो गोश्त हमारा अच्छे से परफेक्टली कुक हो गया है यहाँ पर। अभी हम यखनी के पानी से जितना भी इसमें गोश्त वगैरह है सबको अच्छे से निकाल लेंगे। और यखनी का पानी इसे हम बहुत केयरफुली संभाल के रखेंगे, क्योंकि यखनी के पानी को हम यूज़ करने वाले हैं पुलाव में। तो इस तरह से हमने गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया, पानी को रख देते हैं अभी हम साइड में, और चलते हैं हम सेकेंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो मशीन का कीमा लिया है मैंने, हमने यहाँ पर 500 ग्राम मशीन का कीमा लिया। इंग्रेडिएंट डाल देते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर, और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करने वाले हैं बेसन यानी चने का आटा, और चने के आटे को मैंने सिर्फ 1/2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया था, इसमें जितनी भी स्मेल थी कच्ची तो वो ख़त्म हो गई इस पॉइंट पे। अब इसमें हम चने का आटा भी ऐड कर देते हैं, और चने के आटे के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो 1/2 टेबल स्पून नमक भी इसमें ऐड कर देते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए, इंग्रेडिएंट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, अभी हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। और जब आप कोफ्ते बना रहे हो तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का हमें कोफ्ता नहीं चाहिए, छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे, क्योंकि हम जमजम पुलाव बनाते हैं तो हमें उसमें फ्राई करके फिर कोफ्ते ऐड करने रहते हैं। तो छोटे साइज़ के हम कोफ्ते बनाएंगे तो हमारे कोफ्ते अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। और इतने मिक्सचर में यहाँ पर देख सकते हो तकरीबन हमारे 20 से 25 कोफ्ते बन के रेडी हो जाएंगे। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए, कोफ्तों को अभी हम रख देते हैं साइड में, और चलते हैं एक खुशबूदार मसाला भी रेडी कर लेते हैं। मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 लौंग लिए, और इधर हमने 3 लिए सफ़ेद इलायची, 2 टेबल स्पून धनिया लिए, 2 टेबल स्पून हमने लिए सौंफ, और 10 हमने इसमें कबाब चीनी, 10 हमने लिए इसमें काली मिरी, और छोटा सा हमने जायफल लिया इसमें 2 इंच का हमने लिया इसमें चीनी, और 1 इंच का हमने इसमें लिया है जावित्री, 2 हमने बड़ी इलायची। इन सारे मसालों को मिक्सर जार में डाल के इस तरह से हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले हमारा रेडी हो गया, मसाले को रख देते हैं साइड में और चलते हैं आलू की तरफ। तो 3 आलू ले लें, और आलू को इस तरह से कट कर लें फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में, और अब इसे हम कलर देंगे। तो हम इस पर 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देते हैं, 2 पिंच मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड करूँगी, 2 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे लेमन फूड कलर। तो इस तरह से हमने कलर ऐड कर दिया, और कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमारे आलू भी कलरफुल ये रेडी हो गए, अब आलू को रख देते हैं साइड में और चलते हैं अभी हम चिकन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चिकन लिए 750 ग्राम, मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, अभी इसे भी हम मैरिनेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट से हम मैरिनेट नहीं करेंगे, हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, और 1/2 टेबल स्पून डाल देते हैं इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम इसमें डाल देते हैं मिर्ची,
हाफ़ टेबल स्पून मिर्ची डालने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देते हैं चिकन में। और चिकन में मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए साइड में नहीं रखेंगे। हमने मिक्स कर दिया और चिकन को अभी साइड में रख देते हैं और चलते हैं अभी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले पैन लिया, पैन में हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था। इसमें हम डाल देते हैं कोफ्ते, कोफ्ते फ्राई करेंगे और तक हम आधा मिनट बिल्कुल भी इसे अभी टच नहीं करेंगे कोफ्तों को। कोफ्ते जब अपना शेप ले लेंगे तो इस तरह से हम इसे चला देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें 3 से 4 मिनट हो गए और मैंने कोफ्तों को हर तरफ से अच्छे से घुमाते हुए फ्राई कर लिया। और यहाँ देख सकते हो कितना परफेक्टली इस पर कलर आ गया, हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए अंदर से। अब कोफ्तों को निकाल लेते हैं और इसी पैन में अब हम डाल देते हैं आलू। तो आलू को मैंने इस तरह से एक शेप में कट किया था, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू कट करते हैं, इसी तरीके से आलू को कट करने के बाद इनको अभी हम फ्राई कर लेंगे। आलू को आप फ्राई कर रहे हो तो सबसे पहले एक साइड में हम डाल देंगे इसमें ग्रीन कलर के आलू और इस तरह से ऑरेंज कलर के आलू डाल देंगे साइड में। और मैंने इसमें लेमन फूड कलर ऐड किया था, उसके भी आलू मैंने साइड में डाले थे। और 2 मिनट हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, 2 मिनट के बाद आलू की साइड चेंज करके इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे आलू बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से फ्राई हो गए और एक दूसरे के ऊपर कलर भी इसमें मिक्स नहीं हुआ। तो इस तरह से आलू को भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अभी इसी ऑयल में हम डाल देते हैं चिकन, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, चिकन भी अभी इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और चिकन की साइड को भी अभी हम चेंज नहीं करेंगे, 1 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम चिकन की साइड को चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें फ्राई नहीं करना है चिकन को, सिर्फ हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे 60%। चिकन की साइड को अभी हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ्लेम को हाई करके चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। इस पर स्पॉट्स आ गए चिकन पे, बाकी ये चिकन हम कुक करेंगे पुलाव में। तो चिकन को अभी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चलते हैं हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं पुलाव की, जमजम पुलाव की। तो ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था और हमने 300 ग्राम ऑयल लिया। यहाँ पर ऑयल में हमने प्याज डाल दी, जिसको मैंने गोल शेप में कट कर लिया था मीडियम साइज़ की। प्याज को अभी हम फ्राई होने देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो प्याज हमारी फ्राई हो गई। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाले, 3 लौंग डाल देंगे और 3 हम डाल देते हैं इसमें फ्लेवर के लिए सफ़ेद इलायची। आधा मिनट अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तीनों ही इंग्रेडिएंट को और उसके बाद हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें फ्राई की हुई चिकन। इस पॉइंट पे फ्लेम को हाई रखेंगे और चिकन के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं यखनी का गोश्त। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें मिर्ची, तो हरी मिर्ची डाल देंगे हम इसमें 1.5 टेबल स्पून, इसको मैंने दरदरा पीस लिया। और अब हम डाल देंगे इसमें दही, तो दही हम इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम और नमक डाल देते हैं 1.5 टेबल स्पून। और हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब ऐड कर दिया, हमने इसमें दही भी ऐड किया है। और दही डाल के अब हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं चिकन और मटन को, या फिर हम जब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन की जितनी भी कच्ची स्मेल है सारी रिमूव नहीं हो जाती है। पुलाव बनाने के लिए मैंने जिस ऑयल में कोफ्ते फ्राई करे थे और हमने इसमें आलू वगैरह फ्राई करे थे, हमने पुलाव बनाने के लिए वही तेल लिया। और यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन मैंने 2 मिनट बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, सारे ही इंग्रेडिएंट इसमें अच्छे से फ्राई हो गए और अभी इसमें किसी भी तरीके की स्मेल वगैरह नहीं आ रही है। तो इस पॉइंट पर अब इसमें हम डाल देते हैं कलरफुल आलू। आलू के बाद अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये खुशबूदार मसाला। मसाला मैंने पहले ही आपके साथ में मेंशन किया हुआ है, तो ये सारा मसाला इसी में ऐड कर देंगे। और मसाला डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप यकीन मानिए मसाला डालने के बाद आपके सारे ही इंग्रेडिएंट में इतनी शानदार खुशबू आने वाली है, जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो आपका पूरा घर महक जाएगा, ये इतना खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। और अब हमने इसमें मसाला वगैरह सब ऐड कर दिया, अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची।
दो मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्ची ली है जिसको मैंने लॉन्ग शेप में कट कर लिया। आप चाहे तो मैंने ये ग्रीन शिमला मिर्ची ली है, आप चाहे तो कलरफुल इसमें शिमला मिर्ची का यूज़ कर सकते हो। इसमें रेड कलर की शिमला मिर्ची आती है और येलो कलर की भी शिमला मिर्ची आती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब शिमला मिर्ची डालने के बाद हमने सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और हमने मसाले वगैरह भी ऐड कर दिए। फ्लेम को अभी हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे अब इसमें हम डाल देते हैं यखनी का पानी। तो यखनी का पानी आप डाल रहे हो तो इसमें छानने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे ज़ीरा वगैरह रह जाता है तो वो आप सिर्फ छोड़ दें और सारा यखनी का पानी डाल दें। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल दूँगी। हमने 1 किलोग्राम चावल लिए, ये इसी में डाल देंगे। आधा घंटे के लिए मैंने चावल को भिगा के रख दिया था। 4 गिलास मैंने चावल लिए और पानी डालेंगे इसमें हम 6 गिलास, क्योंकि हमने आधे घंटे के लिए चावल को भिगा दिया था। और चावल को भिगा के फिर आप पुलाव बनाते हैं, तो इससे आपका जो पुलाव है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो मैंने इसमें यखनी का पानी डाल दिया। अब इसमें हम सादा पानी और ऐड कर देते हैं। इस पॉइंट पर अभी हम फ्लेम को हाई कर देंगे। और अगर आपने चावल को भिगाया नहीं है तो आप इसमें डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे। अगर आपके 4 गिलास चावल है तो आप इसमें 8 गिलास पानी ऐड कर दें। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए, इंग्रेडिएंट डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फ्लेम को हाई रखेंगे। अभी इसे कवर कर देंगे। तो आइए अभी हम जमजम पुलाव को देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा परफेक्टली पुलाव बनके रेडी हो चुका है। हल्का हल्का इस तरह से हम चावल को खोल देंगे ताकि हमारा जो चावल है हर तरफ से अच्छे से और दम में आ जाए। अभी हम 5 मिनट और इसे दम में लेंगे। और बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया था और इस तरह से हमारे खिले खिले ये पुलाव के चावल बनके रेडी हो गए। इस पर अब हम डाल देते हैं कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। और अब हम डाल देते हैं फ्रेश हरा धनिया 1 मुट्ठी के करीब। और इसमें अब हम डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू। जमजम पुलाव को 5 मिनट हम दम पे लेंगे और दम पे लेने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अगर आप फ्लेम को ऑफ़ करके 10 मिनट पुलाव को या फिर बिरयानी को छोड़ देते हो तो आप देखेंगे आपका पुलाव या फिर बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मैं कभी भी बिरयानी बनाती हूँ या फिर पुलाव बनाती हूँ तो एक ही दम सर्व नहीं करती हूँ दम पे लेने के बाद। 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसके ऊपर हम अरेंज कर देंगे फ्राई हमने करके रखे थे कोफ्ते, तो ये भी इसी के ऊपर अच्छे से अरेंज कर देते हैं पुलाव के ऊपर। और मैंने ये 2 अंडों को बॉईल किया था, अंडों को मैंने फ्राई नहीं किया है। आप चाहें तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से अरेंज कर दिए पुलाव के ऊपर। अभी इसे कवर कर देंगे और दम पे लेने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिलीशियस यम्मी पुलाव बन के रेडी हो गया है। काफ़ी सारे स्टेप हैं ये जमजम पुलाव बनाने में, लेकिन आप देखेंगे आप इतना मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी जब आप ये पुलाव सर्व करेंगे। इतना मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार होता है पुलाव। और काफ़ी सारे इसमें वेराइटी का यूज़ होता है, इसमें कोफ्ता, चिकन, मटन, आलू फ्राई और अंडा वगैरह सब इसमें यूज़ होता है। कोफ्ते बिरयानी की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कोफ्ते बिरयानी शेयर करने वाली हूँ। और मैं मटन के साथ में ये कोफ्ते बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो चिकन का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोफ्ता बिरयानी में आप चिकन के कोफ्ते इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस मटन की कुकिंग टाइम चिकन की कंपैटिबली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी बिरयानी बिल्कुल भटियार स्टाइल बनके तैयार होगी और इतनी मज़ेदार और जायकेदार ये बिरयानी बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरी हमर रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज़ वेक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम खुशबूदार बिरयानी का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून लिया है धनिया और 2 टेबल स्पून हमने लिए इसमें सौंफ, 2 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए इसमें 1-1 इंच के, 4 हमने इसमें लौंग लिए और 10 से 12 हमने इसमें लिए काली मिरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें 4 लौंग लिए और उसके बाद में हम इसमें सफ़ेद इलायची लेंगे, तो हमने सफ़ेद इलायची भी इसमें 4 लिए। 1 टेबल स्पून हमने लिया इसमें ज़ीरा और 1 हमने इसमें बादाम का फूल लिया। 1 इंच का हमने इसमें जावित्री का एक पीस लिया और इसमें हमने 2 बड़ी इलायची लिए लाल इलायची, 3 हमने इसमें लिया है तेज पत्ता
और हमने ये तेज़पात पत्ता लिया, तो इसको अभी हम तोड़ लेंगे ताकि सारे मसालों के साथ में जब हम ग्राइंड करें तो ये आसानी से हमारा तेज़पत्ता भी मसालों के साथ में ग्राइंड हो जाए। अब ले लेंगे हम मिक्सर जार और सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे तेज़पत्ता, और इसके बाद में सारे मसाले हमने लिए थे इन सारे मसालों को डाल देंगे हम मिक्सर जार में, और बिल्कुल हम बारीक इन मसालों को पीस लेंगे। तो आपको रेडीमेड मसाले की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही इतना खुशबूदार मसाला रेडी कर सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और चलते हैं। अभी हम यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बोल लिया है, एक गिलास हमने इसमें पानी लिया है, इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे ऑरेंज कलर, और अब इसमें हम डाल देंगे आलू। मैंने 5 आलू लिए, आलू को हमने 1 में से 2 कर लिया, और इसमें डाल देंगे दाल के 5 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में 6 से 7 मिनट अच्छे से इन्हें बॉईल कर लेंगे, और बिरयानी में हम इस तरह से आलू का यूज़ करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हमारी बिरयानी लगती है। 750 ग्राम हमने यहाँ पर मशीन का कीमा लिया, इसमें हम डाल देंगे, हमने चने लिए थे आधे कप चने को हमने मिक्सर जार में डाल के फाइन पाउडर बना लिया, ये इसी में ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट, धनिया का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और रेड चिल्ली का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें नमक, नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर, ये मेरा होममेड रहता है, और इसके बाद में हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 लेमन का जूस। तो फाइनली हमने सारे ही इसमें इंग्रेडिएंट डाल दिए, हमने इसमें भुने हुए चने का पाउडर भी ऐड कर दिया। अगर आप इसमें भुने हुए चने का पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन लेके और उसको भून के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो 1 मिनट के बाद हमारा कीमा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, और इसके बाद हम कोफ्ते बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए, मैंने कोफ्ते बनाए लेमन के साइज़ के, और हम आधे कोफ्ते ग्रेवी में यूज़ करेंगे, आधे कोफ्ते हम फ्राई करेंगे। तो चलते हैं, अभी हम सबसे पहले कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल मैंने पहले से ही गरम करने रख दिया था, ऑयल हमने लिया है 250 ग्राम, ऑयल हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से गरम हो गया इस पॉइंट पे। अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो 1/2 मिनट हम बिल्कुल भी इन्हें टच नहीं करेंगे, अगर आप इन्हें इसकी साइड अभी चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कोफ्ते इसमें टूट भी सकते। तो अभी हमें तकरीबन 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और साइड चेंज कर करके हर तरफ से अच्छे से इन्हें कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट का टाइम लगा हमें कोफ्तों को फ्राई करने में, और हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो गए सारे ही कोफ्तों को। अभी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब इस ऑयल में हम डाल देंगे आलू जिनको हमने कलर किया था। मैंने 5 मिनट आलू को बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद में हम आलू को फ्राई कर लेंगे, और आलू को फ्राई करके हम बिरयानी में यूज़ करते हैं, तो हमारी बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट हम अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे, और इनको भी आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, और हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए। इसी ऑयल में हमने तकरीबन 200 ग्राम प्याज डाल दी, प्याज हम अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं प्याज भी हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई। तकरीबन मुझे 6 मिनट का टाइम लगा है प्याज को फ्राई करने में, तो थोड़ी मैंने इसमें से प्याज निकाल ली है, और थोड़ी हम इसमें ही रहने देंगे, और इसके बाद में हम इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें 4 टमाटर, 250 ग्राम हमने इसमें टमाटर लिए, टमाटर को भी इसी में डाल देंगे, और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो गए इस पॉइंट पे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 मिनट इसे भी अच्छे से भून लेंगे, और अदरक लहसुन की जैसे स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें आगे के इंग्रीडियंट डाल देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है नमक, और नमक के बाद में इसमें हम फ्राई आलू डाल देंगे। तो आलू मैं इसमें आधे ऐड करूँगी, आधे आलू हम बचा लेंगे, आधे आलू हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अच्छे से अभी इन्हें सारे इंग्रेडिएंट को डाल के मिक्स कर देंगे, और इसमें अब डाल देंगे हम कोफ्ते। कोफ्ता बिरयानी मैं मटन के कोफ्ते के साथ में बना रही हूँ, तो इसमें कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें कोफ्ते भूनने में। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे फ्रेश पुदीना।
आधा कप हमने इसमें फ्रेश पुदीना डाला है और आधा कप हमने इसमें डाला है फ्रेश धनिया। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून रेड चिली का पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर। हरी मिर्ची को हमने दरदरा पीस लिया, 6 से 7 हमने हरी मिर्ची ली, उनको दरदरा पीस लिया, ये इसी में ऐड कर देंगे। और अब इसमें डाल देंगे पानी, तो हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर देंगे। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए, फ्लेम को हाई करके हम अच्छे से इन्हें कुक होने देते हैं और ज़्यादा हम इन्हें टच नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते टूट भी सकते हैं, कवर कर देंगे। और चलते हैं अभी चावल की तरफ। मैंने यहाँ पे बिरयानी के चावल लिए 1 किलोग्राम और हमने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद चावल को भिगा दिया। तो चावल को भिगा के 10 से 15 मिनट हो गए मुझे। अगर आपके पास में टाइम है तो आप आधे से 1 घंटे के लिए चावल को भिगा के फिर बिरयानी बनाएं, आपकी बिरयानी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी। चलते हैं अभी हम चावल की भी तैयारी कर लेते हैं। मैंने पतीले में पानी रख दिया डबल क्वांटिटी में। अब इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है, 3 हमने तेज पत्ता डाल दिया, 1 बड़ी इलायची डाल दी इसमें, और 10 से 12 हम डाल देंगे इसमें काली मिरी, 2 इसमें हम डाल देंगे लौंग। और सारे ही मसालों के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, तो तकरीबन मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने से हमारे जो चावल है एकदम से सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और खिले खिले चावल बनते हैं। तो हाई फ्लेम पे और पानी में बॉईल आने का वेट कर लेते हैं। तो तकरीबन मुझे यहाँ पे 6 से 7 मिनट का टाइम लगा पानी में, देखिए बॉईल आने लगा। अब इस पॉइंट पर हम भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए और चावल के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, नमक डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम 6 से 7 मिनट इसे कुक होने देते हैं, कवर कर देंगे। चलते हैं अभी हम दूसरी साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोफ्ते भी हमारे बहुत अच्छे से इसमें ऑयल वगैरह सेपरेट होने लगा है। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें बिरयानी का मसाला, तो इसमें हम बिरयानी का मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा बिरयानी का मसाला हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप दही। दही डाल के हम 1 से 2 मिनट और अच्छे से इसे कुक कर लेंगे, जब तक दही का पानी अच्छे से इसमें ड्राई नहीं हो जाता है। और हमारे कोफ्ते बनके यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। चलते हैं अभी चावल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 85% चावल को गलाया। तो इन चावलों में से अभी हम आधे चावल निकाल लेंगे। हमें बिरयानी की सिर्फ 1 तेल लगानी है, आप चाहें तो इसमें 2 या फिर 3 भी इसमें तेल लगा सकते हैं। मैंने देखिए आधे चावल निकाल लिए और इन चावलों को इस तरह से हम खोल देंगे ताकि हमारी बिरयानी एकदम से खिली खिली बने। और अब इसमें डाल देंगे हम ऑरेंज फूड कलर, मेरे ऑरेंज फूड कलर पहले से ही घोल के रखा था। पुदीने के पत्ते डाल देंगे, फ्रेश पुदीने के पत्ते, धनिया डाल देंगे और स्लिट की हुई हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। मैंने 3 मिर्ची इसमें ऐड की, मिर्ची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें हम डाल देंगे बिरयानी का मसाला, मैंने बचाया था, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कोफ्ता आलू की ग्रेवी। तो इस तरह से मैं सिर्फ 1 ही इसमें लेयर लगा रही हूँ, आप चाहें तो 2 या फिर 3 का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल, तो चावल के बाद अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश पुदीना और हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। ऑरेंज फूड कलर के बाद हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, कोफ्ते फ्राई इसी पर ऐड कर देंगे। मैंने थोड़े से आलू को फ्राई करके निकाल लिया था, इसके ऊपर आलू भी डाल देंगे। और हम डाल देंगे इसमें ब्राउन प्याज, बिरयानी का मसाला अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और मैंने 4 अंडे लिए, अंडों को मैंने बॉईल कर लिया। इस तरह से हम इस पे अंडे भी रख देंगे, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस करके अंडों को इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो बिरयानी को अभी हम दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। कोई भी हैवी बॉटम का तवा लेंगे और 5 मिनट पहले फ्लेम को एकदम से हाई कर देंगे। जैसे ही हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद अच्छे से इसे दम पे लेने के बाद में हम सर्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मैंने होममेड बिरयानी के मसाले से ये बेहतरीन बिरयानी हमारी बनके रेडी हुई है। और आपके मेहमान या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ये बिरयानी खाएंगे तो यही कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपने ये बाहर से ऑर्डर करके मंगाई है बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार होती है जैसे हम होटल वगैरह से लेकर आते हैं या फिर भटियारे स्टाइल ये बनके तैयार होती है। इतनी जायकेदार बिरयानी बनती है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं आपकी बिरयानी कैसी बनी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।